अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो लास्ट क्लास में हमने ईवीएस में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3। उसमें हमने पेज नंबर 14 रीड किया था। आज हम पेज नंबर 15 रीड आउट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक्स ओपन कर लीजिए पेज नंबर 15 पर। रीड करने से पहले यहाँ मैचिंग दी गई है, आपको मैच करना है। ओके, मैच द थिंग्स टू टेल हाउ वुड यू फील व्हेन यू टच देम। आपको मैचिंग करना है इन थिंग्स को, और आपको ये चीज़ फील करते हुए मैच करना है कि जब आप इन चीज़ों को टच करेंगे तो आप कैसा फील करेंगे। यानी ये क्या है, ये है फेदर, पंख है। जब आप किसी भी बर्ड के पंख को टच करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं कि वो पंख कैसा है। तो जो पंख होता है जब आप उसको टच करते हैं तो आपको कैसा फील होता है कि वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना मुलायम है ना। हाथ में लेते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो फेदर को आपको मैच करना है सॉफ्ट से। उसके बाद है सेकंड टेबल। टेबल की सरफेस कैसी होती है, देखिए टेबल की सरफेस है ना। तो अगर आपके घर में टेबल होगी, आप उस पर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि टेबल की सरफेस कैसी होती है। इसको किससे टच करें, इसको किससे मैच करेंगे। अगर आप टच करके देखेंगे तो आपको फील होगा कि टेबल की सरफेस स्मूथ होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, यानी एकदम प्लेन होती है, एक जैसी। उसके बाद है थर्ड, ये देखिए, ये बॉटल में से कुछ ऑयल गिरा हुआ है। तो ऑयल कैसा होता है, जब आप ऑयल को टच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑयल स्लिपरी होता है। कैसा होता है, स्लिपरी। जैसे अगर कहीं पर तेल गिरा हो और आप उस पर पैर रख कर देखेंगे या हाथ लगा कर देखेंगे ना, तो ऐसा फिसलन फिसलन सा आपको फील होगा। तो इसको किससे मैच करना है, थर्ड को मैच करेंगे स्लिपरी से, यहाँ सबसे ऊपर। ओके, उसके बाद है ये नीचे स्टोन दिया गया है। स्टोन कैसा होता है, स्टोन होता है हार्ड। जब आप किसी पत्थर को टच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो पत्थर कैसा होता है, हार्ड होता है ना बहुत ज़्यादा। तो इसको आपको मैच करना है हार्ड से, यहाँ ऊपर हार्ड। उसके बाद यहाँ सेकंड कॉलम देखिए, ग्लू। ग्लू कैसा होता है, गोंद। फेविको जो गोंद होता है वो कैसा होता है, स्टिकी, चिपचिपा होता है। अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, चिपक जाते हैं ना हाथ, अगर गोंद हाथ में लगाते हैं तो इसको मैच करेंगे स्टिकी से। उसके बाद है ये ग्लास बना हुआ है ना, ग्लास के अंदर क्या है, पानी। पानी कैसा होता है, अगर आप पानी को टच करेंगे तो आपको कैसा फील होगा, गीला गीला सा फील होगा। तो इसलिए इसको मैच करेंगे वेट से, WET वेट। ओके, उसके बाद है ये क्या बने हुए हैं, ये हैं ग्रेन्स। तो ग्रेन्स कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं और ग्रेनी। तो इसको मैच करेंगे ड्राई और ग्रेनी से। ग्रेन्स कोई भी अनाज हो सकते हैं, गेहूं, चावल वगैरह। ओके, वैसे ही। और बचा आपका लास्ट, ये है स्ट्रॉबेरी। अगर आप सभी बच्चों ने, ये फ्रूट है, अगर आप सभी बच्चों ने स्ट्रॉबेरी खाई होगी, उसको टच किया होगा तो आपको पता होगा कि जो स्ट्रॉबेरी का जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा रफ़ होता है। उसकी स्किन पर ऊपर की तरफ कुछ छोटे छोटे कांटे होते हैं, है ना। स्किन कैसी होती है, रफ़ होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए स्ट्रॉबेरी को मैच करेंगे रफ़ से। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे का रीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।